तो हमारे परवेज भाई हैं जो देख रहे हैं अभी फिलहाल, जो जमीरा डायमंड क्लब के सेक्रेटरी हैं। काफी अच्छी गोलकीपर, काफी अच्छी सेव यहाँ पे टूटी काटा की तरफ से गेंद को सेव करते हुए और आखिरकार अपने कब्जे में गेंद को लेते हुए यहाँ पे काफी अच्छी लंबी शॉट आठ नंबर की जर्सी अटैक करते हुए बोरोगा की तरफ से फिर से और एक मौका है। पांच पांच गोल डालने के लिए देख पाते हैं इस मौका का फायदा उठा पाते हैं। अच्छी शॉट किया लेकिन दिशाहीन शॉट के लिए। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड जमीरा ग्राउंड से बिन मौसम बरसात में, क्योंकि आज हम आए हैं जमीरा ग्राउंड में। तो अलीजा कुछ बोलोगी। तो फ्रेंड फिलहाल अभी हम लोग ग्राउंड के अंदर हैं, तो मैच चल रहा है। आने वाले तो फिलहाल अभी ग्राउंड के अंदर है फ्रेंड, आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड एकदम पूरा भरा हुआ है खचाखच। आप इस साइड भी देखते हैं पूरा ग्राउंड है, इस साइड भी भरा हुआ फ्रेंड। इधर से दिखा रहे हैं आपको, मैंने पूरा तरफ ग्राउंड में आपको दर्शक ही दर्शक मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्शक है जमीरा ग्राउंड, इसके लिए जाने आते हैं बार बार, इसमें बहुत ज्यादा दर्शक रहते हैं फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो में बने रहे हैं। तो हमारे परवेज भाई हैं जो देख रहे हैं अभी फिलहाल, जो जमीरा डायमंड क्लब के सेक्रेटरी हैं, और इस साइड फिलहाल हम अभी ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। देख पा रहे हैं ऑडियंस, देखिए पूरा खचाखच भरा हुआ है पूरा चारों तरफ से, आप देखिए कितना सारा ऑडियंस है फ्रेंड, देखिए। और तो आप लोग को लेके जा रहे हैं हम कमेंट्री बॉक्स की तरफ मैनेजमेंट करने के लिए। गेन और चार गोलों की बढ़त, बुरोगा चार टूटी काटा शून्य। अच्छा शॉट अलीजा के तरफ से, लंबी शॉट यहाँ पे बुरोगा के टूटी काटा के डिफेंडर द्वारा। और इस टूर्नामेंट में कुछ और बेहतरीन जिम्मेदारी डॉक्टर अब्दुल समाद से, डॉक्टर फ्री ट्रीटमेंट खिलाड़ियों के लिए फिर से तैयार। अच्छी तरीके से गेंद को निकालते हैं यहाँ पे चांसेस हैं और एक गोल देने के लिए यहाँ पे देख पाते हैं क्या देखने का भी बताया गेंद जी पॉइंट में। काफी अच्छी गोलकीपर, काफी अच्छी सेव यहाँ पे टूटी काटा की तरफ से गेंद को सेव करते हुए और आखिरकार अपने कब्जे में गेंद को लेते हुए यहाँ पे प्लेयर कुछ चोटिल होते हैं। कोई भी दर्शक दूसरी लाइन के अंदर नहीं निकला मेंबर लेते हैं और ये गोल करा रहे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑफसाइड में बुरोगा की जो अटैकर थे ऑफसाइड में आ चुके थे पहले से। काफी अच्छे डिसीजन यहाँ पे रेफरी मैन और उनके साथ देते हुए लाइन्समैन श्यामलाल देसी वो ऑफसाइड का डिसीजन लेते हुए और फिर से कहीं ना कहीं और एक गोल से पिछड़ते यहाँ पे बुरोगा चार चार गेंदों का अभी बरात और फिर से तैयार। अच्छे डिफेंस छुट्टी काटा की तरफ से उतनी ही अच्छी यहाँ पे प्लेसिंग, अच्छी बेहतरीन मूव यहाँ पे दोनों ही टीमों के दरमियान और ये फिर से आउट का इशारा। रागी परवाना लाइस मैच, काफी अच्छी लंबी शॉट आठ नंबर की जर्सी अटैक करते हुए बुरोगा की तरफ से फिर से और एक मौका है। पांच पांच गोल डालने के लिए देख पाते हैं इस मौका का फायदा उठा पाते हैं। अच्छी शॉट किया लेकिन दिशाहीन शॉट के पुल पोस्ट की पश्चिम साइड बाहर जाते हुए और आउट का इशारा। विशेल रेफरी मैच नौशाद आलम द्वारा चार गोलों की बढ़त बना चुके हैं यहाँ पे बुरोगांव और सिंगल यानी कि कोई भी गोल दागने में सक्षम नहीं अभी तक टूटी काटा। काफी प्रेशर झेलना पड़ रहा है यहाँ पे बुरोगांव टीमों को, माफ कीजिएगा टूटी काटा टीमों को। सभी दर्शकों के लिए अनाउंसमेंट है कि आने वाले मैच यानी कि परसों 16 तारीख 16 अगस्त को दो बेहतरीन टीमों के दरमियान, काफी अच्छी टीमों के दरमियान और एक मुकाबला इंतजाम। अच्छी तरह से काफी गति से जिनको आगे निकाल दो लेकिन उतने अच्छे फिर से और एक आखिरी कदम पे लड़खड़ाते हुए अटैकर पुरोगा की सात नंबर के जर्सी कप्तानी मैच खेलते हुए यहाँ पे अपनी टीमों की तरफ से सभी प्लेयर को अच्छी शॉट। अच्छी यहाँ पे डिफेंस चट्टानों की तरफ से यहाँ पे वॉल की जैसे खड़ा यहाँ पे लेकिन फिर से मौका अच्छी तरह से डिफेंस करते हुए गेंद को बाहर की तरफ रास्ता दिखाया यहाँ पे टूटी काटा के डिफेंडर द्वारा और ये फिर से आउट का इशारा। जो भी दर्शक हम लोग के साथ जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि आप अपना बाइक साइकिल अपना जिम्मेदारी में रखिए, किसी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेंगे जमीरा डायमंड क्लब इस टूर्नामेंट में। जो भी मैच देखने के लिए काफी दूर दूर से दर्शक